الدرسن تخوا اشقيلو قم मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुखद घटना, सिडनी चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान पादरी पर जानलेवा हमला, चेहरे पर चाकू से कई वार। चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान एक शख्स जो कि पूरा काला कपड़ा पहना हुआ था, वो पादरी के पास पहुंचा और उनके चेहरे और शरीर पर चाकू से हमला कर दिया। आनन फानन में चर्च में मौजूद लोगों ने पादरी को बचाने की प्रयास भी किया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के एक चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान एक पादरी चाकू से हमले किए गया है। यह घटना वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर में एक व्यक्ति द्वारा 6 लोगों की हत्या के कुछ ही दिन बाद हुई है। चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान बिशप मारी इमैनुएल वेकली के क्राइस्ट द गुड शेफर्ड चर्च में एक सेवा का नेतृत्व कर रहे थे, तभी उनके पास आए एक शख्स ने हमला कर दिया। चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान एक शख्स जो कि पूरा काला कपड़ा पहना हुआ था, वह पादरी के पास पहुंचा और उनके चेहरे और शरीर पर चाकू से हमला कर दिया। आनन फानन में चर्च में मौजूद लोगों ने पादरी को बचाने का प्रयास भी किया। बताया जा रहा है कि घटना की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई थी। चाकूबाजी की इस घटना में चार और लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में वो लोग शामिल हैं जो पादरी को बचा रहे थे। एनसीए न्यूज़ वायर की रिपोर्ट के अनुसार न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस पैरामेडिक्स को स्थानीय समय के अनुसार सोमवार शाम करीब 7:15 घटना की सूचना मिली थी। अस्पताल में चल रहा पादरी का इलाज। हमले में घायल पादरी को आनन फानन में लिवरपूल अस्पताल में ले जाया गया। वहीं जो 4 लोग घायल हुए हैं, उनमें 30 साल के एक शख्स को गंभीर चोटें आई है। रिपोर्ट के अनुसार 20 साल के एक अन्य व्यक्ति के हाथ में चोट लगी है। घटना को लेकर सिडनी पुलिस ने कहा है कि उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि घटना में घायल हुए लोगों को चोटें आई है, डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। सिडनी में एक प्रमुख धार्मिक नेता है पादरी। जिस पादरी पर हमला किया गया है वह सिडनी में एक प्रमुख धार्मिक नेता और पूर्व के ऑस्ट्रेलियाई असीरियन चर्च के सदस्य है। चर्च के पादरी कोरोना महामारी के दौरान अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए थे। तब उन्होंने दावा किया था कि कोरोना के लिए जो टीके लगाए जा रहे हैं वो व्यर्थ है, हमारे सामान्य रूप से रहने से ही हमारी प्रतीक्षा बढ़ेगी। तो दोस्तों, हमें फादर बिशप के लिए प्रार्थना करना है जिनके ऊपर हमला किया गया है। तो जो भी हमलावर है उनके दिल में परमेश्वर बातचीत करे और उन्हें क्षमा करे, और हम दुआ प्रार्थना करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारे पादरी साहब जल्द से जल्द ठीक होने पाए, और उनका जो भी चोट लगा है उनके साथ और 4 लोगों को, उनको भी परमेश्वर जल्द से जल्द ठीक करे। तो जो दोस्तों, आप सभी घुटना टेके और प्रार्थना करें ताकि फादर जी बिशप जी ये जल्दी से ठीक होने पाए, क्योंकि इस प्रकार की घटना हम देख रहे हैं कि चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ इस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों, एक्स पोस्ट वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ 24/7 और वर्ल्ड सोर्स 24 में प्रकाशित किया गया ये वायरल वीडियो है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोग के पास पहुँचने पाए, और पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को विजय मिश्र की।